गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम TGT नॉन मेडिकल 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं GK और चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 121, एज पर सेंसस 2011, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाईएस्ट डेसिडल ग्रोथ रेट इन HP। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है? डी ऊना। विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड एट द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन HP? कौन सा जिला मुख्यालय हिमाचल प्रदेश में सबसे निम्न तुंगता पर स्थित है? ए बिलासपुर। क्वेश्चन नंबर 123, इंद्रासन माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? इंद्रासन पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सी कुल्लू। लालूनी ज्योत इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? लालूनी ज्योत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? डी लाहौल स्पीति। मैं जो आपको ये आंसर्स बता रही हूँ, ये ऑफिशियल आंसर की के आंसर्स हैं। क्वेश्चन 125, कालिका कुंड वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? कालिका कुंड पानी का स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए चंबा। इन विच ईयर गुरु गोविंद सिंह विजिटेड मंडी? किस वर्ष गुरु गोविंद सिंह ने मंडी की यात्रा की थी? ए 1685। विच मूवमेंट टुक प्लेस इन बिलासपुर? बिलासपुर में कौन सा आंदोलन हुआ था? ए जुग्गा। द ओल्ड नेम ऑफ नालागढ़ वॉज? नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? डी नन ऑफ डीज। नालागढ़ का पुराना नाम हिंदूर। क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर मास्टर क्राफ्टमैन इन 1965? निम्नलिखित में से किसने 1965 में मास्टर क्राफ्टमैन राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया था? सी महेशी देवी। डिकी डोलमा बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? डिकी डोलमा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? सी कुल्लू। हु वॉज द फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ HP? कौन हिमाचल प्रदेश का प्रथम न्यायिक आयुक्त था? डी JN बनर्जी। टोटल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ए इज? मंडी जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या है? डी नन ऑफ डीज। मंडी जिले की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो स्ट्रेंथ है वो है 10। स्टेट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन HP? राज्य कृषि प्रबंधन विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? सी मशोबरा। द कोल डैम हाइड्रो पावर प्लांट इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? कोल बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ए सतलुज। क्वेश्चन नंबर 135, बुर्रा डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? बुर्रा नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? ए सिरमौर। थोड़ी सी पेज की क्लियरिटी अच्छी नहीं है, प्लीज़ आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। क्वेश्चन नंबर 136, अब क्वेश्चंस जो है वो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। इन सर्टन कोड 453 मींस पेन्स आर न्यू, 362 means boys are young, 598 means buy new clothes, then which of the following number is used for pen? B 4।
In the following number series, how many 8s are there which are preceded by 5 but not followed by 3? निम्नलिखित श्रृंखला संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके पहले 5 है किंतु बाद में 3 नहीं है? ए 2. In class of students 45, among these students who passed Anmol secured 11th position from upward and 15th position from downwards. How many students failed? A class mein 45 chhatra hain. In mein se pass hue chhatron mein Anmol ne upar se 11vi aur niche se 15va sthan prapt kiya hai. Kitne chhatra fail hue hain? C 20. Anil is heavier than Anand but not as much as Lalu. Anand is heavier than Vijay. Raman is heavier than Anil but lighter than Shyam. Who is lightest? Anil Anand se bhari hai kintu Lalu jitna nahi. Anand Vijay se bhari hai. Raman Anil se bhari hai kintu Shyam se halka hai. कौन सबसे हल्का है? ए विजय. कंप्लीट द सीरीज. श्रृंखला पूर्ण करें. HMT, IPR, JSP, KVN, DLYL. आंसर डी. Which space agency is set to send astronauts to the International Space Station for the first time in May 2020? अब ये current affair के questions हैं. कौन सी space agency मई 2020 में प्रथम बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय space station में भेजने के लिए स्थापित की है? C SpaceX. Question number 142. Which technological firm along with NASSCOM Foundation recently launched the Innovate for Accessible India campaign? C. Microsoft. World Cities Summit hosted recently by which country? हाल ही में किस देश ने विश्व के शहरों के शिखर सम्मेलन की यजमानी की? C. Singapore. Which former Chief Justice of India has recently been nominated to Rajya Sabha? भारत के किस भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? डी रंजन गोगोई. पाटिल पट्टप्पा who recently passed away was associated with which field? हाल ही में दिवंगत पाटिल पट्टप्पा किस क्षेत्र से संबंधित है? बी जर्नलिज्म. क्वेश्चन नंबर 146. द दसराजन वॉर वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? दस राज्या लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? ए रावी. द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय विच रूलर? प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षण किस शासक ने किया था? डी अजात शत्रु. इबन बतूता अ फेमस ट्रैवलर बिलोंग टू विच कंट्री? इबन बतूता एक सुप्रसिद्ध यात्री किस देश के थे? डी मोरक्को. बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस बिटवीन? चौसा की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? ए शेर शाह एंड हुमायूं. हु स्टार्टेड आत्मीय सभा? किसने आत्मीय सभा का प्रारंभ किया? ए राम मोहन रॉय.
क्वेश्चन 151, नॉर्थवेस्टर इज द लोकल विंड ऑफ विच कंट्री. नॉर्थवेस्टर किस देश की स्थानीय पवन है. डी न्यूजीलैंड. विच इज द डीपेस्ट ओशन. कौन सा गहरा महासागर है. ए पैसिफिक ओशन. विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड. डायमंड का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है. डी रशिया. इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद विच कंट्री. भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है. डी बांग्लादेश. विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया. ए अरावली. कौन सी भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है. ए अरावली रेंज. डिगबोई ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट. डिगबोई ऑयल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है. डी असम. विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद म्यूनिसिपैलिटीज. भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है. डी नन ऑफ दीज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिट मैंडेमस. परमादेश याचिका का अर्थ क्या है. बी वी कमांड. क्वेश्चन नंबर 159, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है. बी वाइस प्रेसिडेंट. द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी हैज बीन इंप्लीमेंटेड फ्रॉम. गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कब लागू हुआ. ए July 1, 2017. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन विच ईयर. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई. सी 1964. पोलियो इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. निम्नलिखित में से किसके द्वारा पोलियो होता है. ए वायरस. क्वेश्चन नंबर 163, एंटोनिम ऑफ स्कम्ब इज. बी रेजिस्ट. हियरिंग ऑफ हिज मदर्स इलनेस ही इज एट वंस स्टार्टेड डैश कानपुर. सी फॉर. हियरिंग ऑफ हिज मदर्स इलनेस ही एट वंस स्टार्टेड फॉर कानपुर. मीनिंग ऑफ idiom फ्रेज a hornet's nest is. बी एन unpleasant सिचुएशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पायोनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट इज. बी अपोस्टल. क्वेश्चन नंबर 173, तिरस्कार का संधि विच्छेद है. सी तिर प्लस कार. देवासुर में समास है. डी द्वंद. चीता का पर्यायवाची है. डी चित्रक. अस्ति नस्ति में पढ़ना मुहावरे का अर्थ है. ए दुविधा में पढ़ना. क्वेश्चन नंबर 111 से चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं. द बेसिक एजुकेशन सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन द व्यू पॉइंट दैट द चाइल्ड बी कैन गेट बेटर एजुकेशन थ्रू अ मीनिंगफुल एंड क्रिएटिव पीस ऑफ वर्क. In your point of view, education can be meaningful only when, see, it is child-centered. Mind mapping refers to A. Researching the functioning of the mind. In the project education technique, the workload on the teacher is A. Very high. Special education is related to D. Educational program for disabled. The educator who promoted the idea of 5 formal steps in learning was A. Herbert. आप अगर इस टाइम के मेडिकल और नॉन मेडिकल के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी के बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं. क्वेश्चन नंबर 120
117. Which quality of the teacher is liked the most by his students? D. His impartial attitude. D. Orthopedically impaired children are likely to have C. Dysgraphia. Question number 119. The concept of intelligence quotient IQ was proposed by which psychologist? D. William Stern. Secondary Education Commission recommended which pattern of education? A. 10 plus 2 plus 3 scheme. तो ये था TGT नॉन मेडिकल का क्वेश्चन पेपर. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.